गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, मैं भी ठीक हूँ दोस्त। आज मैं एक बहुत सा प्यारा चैप्टर बच्चों के डिमांड पर मैं लाया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ बच्चों, ये चैप्टर ना बहुत फील करवाएगा। ये चैप्टर ना इतना इंटरटेनिंग चैप्टर है कि मजा लग जाता है पढ़ने और पढ़ाने में भी भैया, है ना। ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से, वही चैप्टर 11th क्लास में है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड है सर ये चैप्टर का ना आप यूट्यूब पे लेक्चर डाल। चल भाई, आज से हम स्टार्ट कर दिए, एक एक करके एक एक पार्ट आज अपन डालने वाले हैं यूट्यूब पे। ठीक, तो जो बच्चे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो जरूर कर लें, और अपन लेट ना करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, चलो ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर बात करोगे ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो ये नीट के लिए और जेई मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट में हर एक साल 3-4 सवाल आ जाते हैं, जेई में भी 2-3 सवाल आ जाते हैं, और इवन ये तो ये सवाल एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चैप्टर, माफ करना, ये चैप्टर एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। हाँ चलो, तो अपन लेट ना करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो भाई ये दो वर्ड से मिलकर के बना है ना। बहुत स्टोरी है इसको लेकर के, लोगों ने क्या क्या नहीं करा इस चैप्टर को डिटेल एनालाइज करने के लिए, डिटेल पढ़ने के लिए, कौन कौन से साइंटिस्ट बीच में आए। मजा लगने वाला है इस चैप्टर को पढ़ाने में। एक एक साइंटिस्ट आए, अपना थ्योरी दिए, फिर उसका थ्योरी गलत होता है, फिर अगला थ्योरी दिया, फिर गलत होता है, फिर अगला थ्योरी दिया। ये मजेदार चैप्टर है भैया। सर, हम स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाह रहे हैं ना, हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बेटा? एटम का स्ट्रक्चर। तो आप हमको ये बताओ कि अगर कोई भी एटम का अगर स्ट्रक्चर जानना है, तो सबसे पहले हमको किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एटम जान जाएंगे, तो हम कुछ देर के बाद या कुछ लेक्चर के बाद हम उसका स्ट्रक्चर भी जान जाएंगे भैया। अरे हाँ या ना? अरे बोलना हाँ या ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना आपको। हाँ, पक्का, श्योर, डन, वेरी गुड, शाबाश। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम एटम्स का बात करने वाले हैं कि एटम क्या होता है ना। एटम किसे कहते हैं भैया, और कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने एटम को लेकर के बताया था। हालांकि आप बुक में देखोगे तो बहुत अलग अलग फिलोसफर आए, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आए जो एटम के बारे में बताने का काम करा था, है ना। जैसे कि आपने एक इंडियन इंडियन फिलोसफर का नाम आपने जरूर सुने होंगे, महर्षि कर्ण, है ना, आप सुने होंगे। तो वो भी एक, है ना, फिलोसफर थे जिन्होंने एटम्स के बारे में बताया था, लेकिन लोगों ने इनका बात को, है ना, नहीं माना, बोला भाई, है ना, इनका बात को हम लोग नहीं मानने वाले। तो इसके बीच में अलग अलग और साइंटिस्ट आए जो एटम को बारे में बताने का काम करा। फाइनली अगर एटम को लेकर के आप बात करना चाहोगे, तो आपके सामने लिखा है यहाँ पे, है ना, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपन बात कर लेंगे, है ना, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे एक एक करके। यस, और यहां से अब स्टार्ट होने वाला है भैया, है ना। सर, लोग अगर आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, यहाँ स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट को अगर आप सुन पा रहे हैं तो देखो भैया, कह रहा द अर्ली थिंकर्स, है ना, स्पेक्युलेटेड ऑन द आइडिया दैट मैटर वाज मेड अप द सिमिली स्मॉल पार्टिकल। पहले के लोगों ने ये सोचा था, अर्ली थिंकर, कि जितना सारा मैटर है वो मैटर किससे मिलकर के बना है? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब पता है बेटा क्या होता है? एक्सट्रीमली का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। कौन मिलकर के बना है आप बताओ, कौन मिलकर के बना? मैटर। मतलब लोगों ने सोचा था कि ये मैटर, दुनिया का कोई भी मैटर हो, ये मैटर जिससे मिलके बना है, वो बेटा वो पार्टिकल कैसा होता है? एक्सट्रीमली क्या होता भाई? स्मॉल होता भैया, है ना। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के कौन बना? मैटर। जैसे आप ये बताओ, क्या अब लोग कहेंगे भाई मैटर क्या है? तो
मैटर के बारे में तो लोगों ने बात करा था कि मैटर उसको कहते हैं जिसके पास कुछ मास होता है, अरे हाँ या ना, सम हैव मास, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, और जो ऑक्यूपाई करता है किसको ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई द क्या करे, स्पेस को ग्रहण करे। अब आपको भी पता है भैया कि बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, बहुत सारे क्या, हम मैटर नहीं है क्या, आप जो देख रहे आप मैटर नहीं हो क्या, सब मैटर हो, सूर्य मैटर नहीं है क्या, चेयर मैटर नहीं है क्या, ये बोर्ड मैटर नहीं है क्या, है भैया है। तो ये जितना सारा मैटर है ना, वो सब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और जो भी वो पार्टिकल होता है उसका कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है। अब लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई एक मैटर, ये मैटर छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना। अब सबसे बड़ा सवाल ये भैया कि ये पार्टिकल आखिर वो है कौन है, सवाल तो ये है भैया कि जो हम ये पार्टिकल का बात कर रहे हैं तो वो पार्टिकल आखिर कौन है, ए बतला, हाँ या ना, ए बोलना प्यार से, क्या हम जो बोलना चाह रहे हैं आपको नहीं समझ आ रहा है। पहले जमाने के लोग क्या सोचे थे कि दुनिया का जितना सारा मैटर सब मिल करके किससे बना है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। अब लोगों ने बोला भाई ये स्मॉल पार्टिकल आखिर है क्या, है ना, और मतलब कहीं ना कहीं यहां से है ना कुछ ओरिजिन अपन स्टार्ट करने जा रहे भाई। चलो अपन आते हैं भाई, है ना, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अपन आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, या अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो अपन थोड़ा सा जानने का ये कोशिश करते हैं ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एटम, ये एटम का ओरिजिन अपन जानने का बात करते हैं। हालांकि ये ओरिजिन जानना तो बहुत डिफिकल्ट है ना, ये लोगों ने बोला था कि ऐसा होता है एटम वैसा होता है। सबसे बढ़िया जो है वो एटम को लेकर के बताने का जो सबसे बढ़िया थ्योरी दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था बेटा डाल्टन, नाम क्या था, डाल्टन, है ना। और उन्होंने एक थ्योरी भी दिया था एटॉमिक को लेकर के जिसका नाम खूब चला, और वो थ्योरी का नाम क्या बना था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। चलो देखते हैं ये एटम है क्या। कह रहा द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये कौन सा वर्ड से ओरिजिनेटेड है बेटा, ग्रीक वर्ड से, और ये देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है एटोमियम, क्या मतलब बना है, ये दो वर्ड है भैया एटम जो है ये इससे मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड में इसको कह रहे हैं एटोमियम, जिसका मतलब क्या होता है, अनकट या एबल और नॉन डिविजिबल। सर ये इसका मतलब एटोमियम का मतलब होता है जो अनकटेबल हो, अनकटेबल हो, और या फिर नॉन डिविजिबल हो। अब सर आपके सामने सवाल ये आता है कि सर अगर हम एटम का बात करें भाई, अगर हम एटम का बात करें भैया, तो एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड कौन सा है, एटोमियो, जिसका मतलब क्या है, अनकटेबल, या इसी को बेटा अपन कहते हैं नॉन डिविजिबल, इसी को नॉन डिविजिबल। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में जल्दी बता सकता है कि अनकटेबल का मतलब क्या होता है, अनडिविजिबल का मतलब, कहने का मतलब नॉन डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे अनकटेबल का मतलब क्या होता है और नॉन डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जल्दी सा कमेंट सेक्शन में मेरा इंतजार रहेगा आप सबको पक्का श्योर। हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका मतलब बताओगे। जी हाँ, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं हूं ना तेरे साथ क्या क्यों इतना परेशान है, मैं हूं ना आपके साथ, अरे हाँ या ना, बोलना पड़ेगा, बोलना पक्का श्योर है, डन, शाबाश, वेरी गुड, है ना। ये बेटा अनकटेबल या नॉन डिविजिबल का मतलब होता है जिसको हम डिवाइड आगे नहीं कर सकते हैं, जिसको हम फर्दर काट नहीं सकते हैं। अब तुम खुद सोचो भाई कि कोई ऐसा पार्टिकल जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो तब नहीं हो पा रहा टुकड़े टुकड़े में, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसका मतलब आप साइज में बड़े हो भैया कैसा लगा आप मुझे टुकड़े टुकड़े कर दोगे क्योंकि मैं साइज में बड़ा हूं भैया। मैं ऐसा पार्टिकल आपको दिया हूं जो खुद सबसे छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है,
और उसको मैं कहूँगा आप काट के दिखाओ, आप तोड़ के दिखाओ, क्या पॉसिबल है? नो, नेवर। अरे हाँ या ना? यस सर। ये बिना शानदार जवाब, वेरी गुड। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये एटम जो है, लग रहे ना बढ़िया चलो आप हमको ये बताओ कि एटम जो है वो कौन सा वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड। वो ग्रीक वर्ड क्या है? एटोमियो, जिसका मतलब क्या है? अनकटेबल या नॉन डिविजिबल, जिसको हम काट नहीं सकते, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। चलो आगे बात करते हैं अपन कुछ और। चलो हाँ, ये हुआ ना बात भैया, दिस इज द बात, माफ करना, दिस इज द मैटर जो हम लोग को इंतजार कर रहा था। अब लोग तो कह दिया भैया कि ये ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि काट, जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में सबसे बढ़िया थ्योरी जो देने का काम किया था, एटम के बारे में जो बढ़िया, सबसे बढ़िया बताने का काम किया था, वो कोई और नहीं था, वो कौन थे भैया? डाल्टन थे। अरे कौन थे? डाल्टन थे भैया। कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैटर दैट हैज साउंड साइंटिस्ट बेस, है ना। कह रहा कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है भैया, कौन सा ऐसा पहला थ्योरी है जो एकदम इसके बेस को बताता है, एटम को बनाने का काम करा, एटम को बताने का काम करा, नॉट बनाने का काम करा, बताने का काम। तो वो कोई और नहीं था, वो सबसे पहला थ्योरी कौन था भैया? है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना कब दिया था? 1808 में दे रखा था भैया। चलो अब सबसे बड़ा बात यह है भैया कि ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का अगर आप बात करोगे, अपन अगर बात करोगे किसका बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का बात करोगे, तो ये एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या क्या लाइन बोला था? ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, इफ यू विल टॉक अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो ये आखिर थ्योरी में अपना क्या क्या चीज को रखा, कौन कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक करा, है ना? अरे हाँ या ना? जो लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, है ना, पूरे ब्रह्मांड में चला दिया। आखिर भाई डाल्टन कुछ ऐसा बात बोले होंगे, डाल्टन साहब ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला होगा जिसके वजह से ये थ्योरी पूरा का पूरा ब्रह्मांड में चल गया। आज हम भी पढ़ रहे हैं, आप आज पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे ऐसे ऐसे हमारे देश में सब जगह पढ़े जाते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो वो आखिर उन्होंने एटम से रिलेटेड क्या बोला था? वो यही बोला था कि द एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ क्या? मैटर। देख लिया कि एटम ही है कोई भी मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल है भैया। कहने का मतलब दुनिया का कोई भी मैटर हो, अगर वो मैटर बना है ना, जिससे वो कोई और से मिलके नहीं बना है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही इन्होंने क्या कह दिया भैया? एटम कह दिया। मतलब ये कह सकते हैं ऑल द मैटर, ऑल द मैटर है ना, जितना सारा मैटर है, इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट इज क्या भैया? एटम। ये एटम से मिलकर के बना है सबके सब पार्टिकल्स, सबके सब मैटर। ठीक, लोगों ने इसकी बात को मान लिया, बहुत बढ़िया है। आप कह रहे हैं आप साइंटिस्ट हैं, आपकी बात को हमने माना, पूरा दुनिया इसकी बात को मान लिया। अच्छा कब थ्योरी दे रहा था? 1808 में। लोगों ने इसकी बात को माना कि चल भैया एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई भी मैटर जिससे मिलकर के बना है वो कोई और नहीं है, वो कौन है? एटम है। चल आपकी बात को मैंने सलाखों पे रखा लेकिन सर क्या पता था कि यह स्टेटमेंट डाल्टन का कुछ सालों के बाद गलत साबित हो जाएगा। अभी मैं गलत का नहीं बात करने वाला हूं, अभी मैं बता रहा हूं इसका, है ना, बात को लेकर के मैं बता रहा हूं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मैं बात को लेकर के बताना चाह रहा हूं, है ना। चलो क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को लेकर के? पक्का? श्योर, वेरी गुड। चलो ये स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट जल्दी कर लो, ठीक, जल्दी। कर लिए, शाबाश। अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। चलो अब यहां पे आ रहा आपके सामने कि आप अगर यहां देख पा रहे हैं
तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है उसके अंदर कौन कौन सा बात था, व्हाट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑन मैटर, मैटर से रिलेटेड जो है, या फिर यू कैन से दैट एटम से रिलेटेड, क्योंकि कोई भी मैटर किससे मिलके बना है, एटम से मिलकर के बना है, तो आप ये भी कह सकते हो भैया। तो इनका एक पहला जबरदस्त पॉइंट यही था भैया, क्या पहला जबरदस्त पॉइंट था, आप मेरी बातों को देखो, एटम आर इनडिविजिबल, देख लिया। अब बताओ क्या ये पहले के जमाने के लोग सोचे थे या नहीं सोचे थे कि एटम अनकटेबल होता है, अनडिविजिबल होता है, नॉन डिविजिबल, अरे हाँ या ना, यस सर, एटम आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब तुम बताओ एटम को हम नहीं तोड़ सकते हैं, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए नहीं तोड़ सकते हैं काहे कि एटम जो है वो सबसे छोटा होवत है ना, अरे एटम इतना छोटा होवत है कि उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं ना, है ना। एंड नो अदर पार्टिकल ऑफ मैटर एग्जिस्ट एज अ स्मॉल एज एटम, और मैटर का कोई भी ऐसा पार्टिकल्स नहीं है जो एटम से छोटा भैया, एटम के अलावा एग्जिस्ट कर रहा है भैया, मतलब वही तो कह रहे ना कि दुनिया का सब एटम किससे मिलके बना भैया, एटम से मिलकर के बना, श्योर पक्का, हाँ ठीक शाबाश। चल अगला पॉइंट ये इन्होंने क्या बोला था, है ना, इन्होंने इस थ्योरी के अंदर और एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या कहा था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, थोड़ा बारीकी से देखोगे भैया, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मास, है ना, कॉमा साइज और प्रॉपर्टी, है ना। चलो भैया, इन्होंने अपना थ्योरी में एक और स्टेटमेंट को क्लियर किया था कि अगर एलिमेंट सेम है ना, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट हमने ले लिया और दोनों का दोनों एलिमेंट सेम है, तो उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उस एटम का मास सेम रहने वाला है, साइज सेम रहने वाला है और प्रॉपर्टी सेम रहने वाला है। कहने का मतलब आप हमको ये बताओ, आपने हम एक एग्जांपल लिया, क्या आपने कभी सोडियम सल्फेट Na2SO4 को देखा और यहाँ पे आपने कभी NaOH को देखा, देखा ना। आप बताओ क्या यहाँ पे भी सोडियम है और यहाँ पे भी सोडियम है, आप हमको ये बताओगे क्या दोनों जगह पे सोडियम है या नहीं है, अरे बोलना है या नहीं है, है ना, यहाँ पे भी सोडियम यहाँ पे। तो कह रहा कि सेम एलिमेंट के जो भी एटम होंगे, है ना, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मास, कहने का मतलब कि ये जो भी सोडियम आने वाला है तो ये सोडियम का जो भी मास होगा जो भी प्रॉपर्टी होगा जो भी साइज होगा वो सब का सब दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, एक जैसा होने वाला है, पक्का, अरे हाँ या ना, श्योर, आगे बढ़े। सर यहां जैसे अगर ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन है तो एलिमेंट सेम है, तो जो ये एलिमेंट का मास होगा वही एलिमेंट का मास होगा, जो ये एलिमेंट का साइज होगा वही ये ऑक्सीजन का साइज होगा, जो ये ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होगा वही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होगा, श्योर है, हाँ पक्का माने। लेकिन सर क्या पता था डाल्टन को कि ये स्टेटमेंट जो है सो आगे जाकर के गलत साबित हो जाएगा। हाँ, इस स्टेटमेंट में मिस्टेक हुआ था, कहाँ मिस्टेक हुआ था मैं आगे का लेक्चर में बताऊंगा भैया। आप ये दो स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़े ना, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट, सामने एक सवाल है, तो हमने अभी बात करा था, है ना, वो जेजे थॉमसन वाला का, उसका बेटा कुछ गलतियां भी निकल गया था, हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए रेडी है, देखिए, कह रहा था साइंटिस्ट बिहाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोले थे भाई कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का जो है वो एटम होता है, किन्होंने कहा था, तो कौन कहा था, डाल्टन ने कहा था, श्योर। चलो ये तो रहा आपके सामने डाल्टन का थ्योरी जो हमने बताया, लेकिन सर आप हमको ये बताओ कि जब डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम जो होता है बेटा वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, हाँ या ना,
हाँ, लेकिन क्या पता था ये डॉल्टन को कि ये बात सरासर गलत हो जाएगा। लगा सदमा भैया डॉल्टन को, ये क्या हो गया, मेरा थ्योरी को गलत कर दिया। सर कैसे पता चला? तो पता ये चला कि डॉल्टन जो कहा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये बात लोगों ने गलत साबित कर दिया। और कहा भैया क्या कि एटम से भी छोटे छोटे चीज होते हैं जिससे खुद एटम मिल करके बना है भैया, और वो कोई और नहीं होता, वो कौन होता भैया? इलेक्ट्रॉन होता। वो कौन होता भैया? प्रोटॉन होता। अब वो कौन होता भैया? न्यूट्रॉन होता है। मतलब एटम, आज के बाद आपसे पूछेगा कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं क्या? तो नहीं बाबा नहीं, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और मैं आपको बता दूं भैया कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक क्या कहते हैं बेटा? पार्टिकल्स कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? तो वो डॉल्टन जो कहते हैं एटम सबसे छोटा होता, आज पता चल गया एटम सबसे छोटा नहीं होता है भैया, एटम से भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एटम, अब डॉल्टन बाबा को लगा भैया झटका। इसी वजह से आप हेडिंग बना लोगे लिमिटेशन, ये जो टॉपिक है वो बेटा किसके अंदर आता है? लिमिटेशन के अंदर आता है। लिमिटेशन ऑफ किसका? डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर आता है। ये पहला पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, सही है। लेकिन पता चला कि एटम सबसे छोटा नहीं होता है, एटम से भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या मिलके बना होता है? एटम मिलकर के बना होता है भैया, और एटम से सब फिर मैटर मिलकर के बना होता है। तो बताओ क्या मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल एटम हुआ या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जल्दी लिखेंगे, चल शाबाश, है ना? क्या मेरी बात आपको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो भैया, किसी को तक कोई तकलीफ है क्या? चलो, ये तो पहला पॉइंट का लिमिटेशन निकला गया। दूसरा पॉइंट पता है क्या बोले थे? कि अगर एलिमेंट सेम है तो उस एटम का मास प्रॉपर्टी और साइज भी सेम होगा। लेकिन सर उसको क्या पता था? कार्बन कार्बन और कार्बन के बारे में भैया। सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 6 6, तीनों कार्बन सेम है तो उसके हिसाब से तीनों कार्बन का मास भी सेम होना चाहिए था। लेकिन तीनों का मास सेम नहीं होता है, और तीनों का मास एक का 12 ग्राम, एक का 13 ग्राम, एक का 14 ग्राम होवत है भैया। क्या स्टेटमेंट गलत हुआ या नहीं हुआ? सर गलत नहीं था। काश वो अगर ये आइसोटॉप के बारे में कह दिया होता, आइसोटॉप के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उन्होंने आइसोटॉप का चर्चा ही नहीं करा था भैया। उन्होंने कहा था कि एलिमेंट सेम है तो मास सेम। यहाँ पता चला कार्बन भी एलिमेंट वही वही वही, तीनों कार्बन सेम तो इसका मास भी सेम होना चाहिए था। 12 ग्राम 12 ग्राम 12 ग्राम, या फिर 13 ग्राम 13 ग्राम 13 ग्राम, या फिर 14 ग्राम 14 ग्राम 14 ग्राम। लेकिन पता चला 12 ग्राम 13 ग्राम 14 ग्राम। तो आप हमको बताओ क्या स्टेटमेंट सही निकला या गलत? गलत या सरासर गलत? गलत भैया, सरासर गलत। वेरी गुड सर। फिर इसी तरह से ये दूसरा पॉइंट का लिमिटेशन आपके सामने, एक और एलिमेंट। सर आप हमको ये बताओ, आपने आर्गन और कैल्शियम को देखा, कोई बताओ ये सेम एलिमेंट है या अलग अलग है? अरे बोल, अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 20। लेकिन सर पता क्या चला भैया? कि इसका मास जो होता है बेटा 40 ग्राम होता है, और इसका भी मास कितना होता है बेटा? 40 ग्राम होता है। बाप रे बाप, ये क्या हो गया भैया? अगर एलिमेंट अलग अलग था, मास भी अलग अलग होना चाहिए था। क्या हो गया? गलत। हाय रे हाय भैया। अब बताओ, जो साइंटिस्ट इतने साल से है ना, उनका थ्योरी चल रहा था, क्या लोगों ने गलत साबित करा या नहीं करा? यस सर, क्लियर। सर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिल्कुल सही था डॉल्टन के हिसाब से। लेकिन बाद में पता चला कि एटम खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। तो आखिर अब कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉन का खोज करा, ये प्रोटॉन का खोज करा, और ये न्यूट्रॉन का खोज करा, और कैसे करा? सवाल ये आता है आपके सामने।
अरे हाँ या ना, आखिर कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, और कैसे किया? यही चीज तो हमको आगे लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा भैया। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन, न्यूट्रॉन, है ना? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो एक सवाल भी है, व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड इनिशियली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर चौथा ऑप्शन में सब, तो आंसर क्या है, ऑल द अबव। सर अब सवाल आपके सामने ये है कि अगला जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर में सर डिस्कवरी ऑफ किसका होने वाला बेटा, इलेक्ट्रॉन का, फिर किसका, प्रोटॉन का, फिर किसका, न्यूट्रॉन का। अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन का क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन का क्या मास है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, बहुत अलग अलग तरह का सवाल आना स्टार्ट हो गया, जो कि आप चाहते हो जानना तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अगला लेक्चर तक। मैं अगला लेक्चर में इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरे डिटेल एनालाइज करके बताऊंगा कि कौन साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन का खोज करा, कैसे करा और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी था। शाबाश, आज का लेक्चर में रखते हैं यहीं तक। अगर आपको कोई डाउट सेक्शन में, अगर आपको कोई डाउट होगा तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर लिख के बताएं, सर यहाँ दिक्कत हुआ, मैं आपके डाउट का इंतजार करूंगा, आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। तब तक लेना चाहता हूं मैं एक छोटा सा ब्रेक। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।